इवनिंग, और अभी बज रहे हैं आई थिंक रात के 8:30। एक्चुअली पूजा लोग आई हुई है तो मैं यहाँ किचन में लगी हुई हूँ, नहीं तो इतने। और कल है संडे, कि मेरा सैटरडे का इवनिंग का ब्लॉग है, तो कल है संडे, तो मैं यहाँ पे सोचा कि चलो आज लेट नाइट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जो है मैं यहाँ पे आराम आराम से खाना बना ली। पूजा लोग कहीं गई है घूमने के लिए, तो मैं जो है यहाँ पे खाना बना रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि आपको मैं क्या क्या बना रही हूँ यहाँ पे। आज मैं बना रही हूँ काजू करी, थोड़े से आलू पराठा भी बनाया था बाबू पिल्लू के लिए, तो वो रखा हुआ है आलू का, वो भी बना दूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने प्याज डाला हुआ है कढ़ाई में यहाँ पे, और यहाँ पे काजू को मैंने काफ़ी गर्म में फ्राई करके रखा हुआ है। इसके बाद ये काजू और प्याज को उबाल करके जो पेस्ट बनते हैं वो बना के मैंने रखा हुआ है। इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट बना करके रखा हुआ है। आप अगर मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे, कुछ दिन पहले ही मैंने वो वीडियो डाला था काजू करी की, तो उसमें पूरा फुल रेसिपी मेरा डाला हुआ है, जो कि काफ़ी टेस्टी और यम्मी सी बनती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम काजू करी अटेम्प्ट किया था तो काफ़ी अच्छी बनी थी। उसके बाद मैं ये सेकेंड टाइम बनाने वाली हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। पहली बार जब मैंने बनाया था तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट इस टाइम मुझे फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बना रही हूँ कि ये कंफर्म अच्छा बनेगा ही बनेगा। अदरवाइज ऐसे क्या होता है ना कि अगर मन में ही लगा रहता कि नहीं अच्छा नहीं बनेगा अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर आपके हाथ भी कांप जाते हैं कुछ भी करने में। मेरे कैमरा पर कुछ चल रहा है, तो यहाँ मैं बस रोटियाँ बनाऊँगी उसके साथ। ऐसे पिछली बार जो मैंने काजू करी बनाया था तो उस टाइम मैंने किट्टू के लिए बनाया था, वो कुलचा बनाया हुआ था। आज मैं बस सिंपल प्लेन रोटी बनाऊँगी इसके साथ, क्योंकि ये मसालेदार हो जाती है, हैवी हो जाती है, उसके साथ सादा रोटी बहुत अच्छा लगता है खाने में, एक दूसरे को मेकअप कर देता है। तो मैं यहाँ पर बस वही बना रही हूँ, तो अगर हो सकता है तो मैं फिर से आपको ये रेसिपी थोड़े बहुत शेयर कर दूँगी। और अभी पूजा लोग आए नहीं है, कहीं घूमने गई है, तो वो थोड़ी देर में आ जाएगी तो मैं फिर आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं काजू करी बना रही थी। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने बस सिंपल सा ऊपर से इसकी वीडियो आज बनाई है। या मैंने प्याज और काजू की जो बॉईल करके जो बनाया था एक पेस्ट वो डाला है, थोड़े से प्याज वगैरह, थोड़ा सा टमाटर। तो इसको आपको थोड़ी देर तक भुनना है। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, खास करके मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। इसके बाद जो बेसिक से मसाले होते हैं हमारे, धनिया जीरा मिर्च पाउडर कसूरी मेथी थोड़ा सा चीनी, मुझे इस तरह की सब्ज़ी में ना थोड़ा सा मिठास अच्छा लगता है, तो मैं चीनी वगैरह, पनीर की सब्ज़ी हो जाए इस तरह की काजू करी की सब्ज़ी, मैं चीनी जरूर ऐड करती हूँ। उसके बाद उसमें सारे मसालों को अच्छे से भून करके काजू ऐड कर दें, काजू सबसे एंड में ऐड करें। ये हम लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, ये देख पा रहे हैं, उधर दिखाओ मुँह, दिखाओ मुँह, दिखाओ ना मुँह दिखाओ, ये पिल्ली है वहाँ किटवा सोया हुआ बेड पे चोर कट। हम सुबह दिखाएंगे अपना वीडियो। यहाँ पे पूजा कुछ अपने ससुराल से आम लेके आए थे जो बहुत टेस्टी थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कल का ब्लॉग मैंने वहीं पे एंड कर दिया था, पूरा कंप्लीट शूट नहीं कर पाए थे कल जो मैं बना रही थी सैटरडे को नाइट में। तो आज है संडे और आज मॉर्निंग में थोड़ा लेट से उठे। ये देखिए मुझे क्या हो गया है, कल मैं खाना बना रही थी तो मेरे पूरे हाथ में तेल गिर गया है और इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं, इतने बड़े बड़े से छाले पड़ गए। मैं सच बोल रही हूँ, मैं अच्छे से दिखाऊंगी, पुजली हंस रही है। अरे यहाँ आई है, ये देखिए ये इतना जलती है मुझसे कि मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ वैसे ही पहनती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वो बना रही चाय और उसका लाइट कट गया, इसमें बना देखा। तो ये बना रही है अपने लिए और अपने दादाजी के लिए चाय, क्योंकि इन दोनों को मेरे हाथ का चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अपने प्यारे से हाथ चाय बनाती हूँ। हाँ, तो ये बहुत ही सुंदर चाय बनाती है अपने लिए अपने दीदी के लिए। मैं अपनी एक चाय की टपरी लगाऊंगी। हाँ, तो मैं अब कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। मैं दिखाती हूँ मेरे छाले कितने बड़े बड़े हुए हैं, ये देखिए
दिख ही नहीं रहा है, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी लेकिन ज़रूर दिखाऊंगी। बड़े बड़े से छाले हो गए हैं, इतना मस्त हवा चल रहा है बाहर में कि मज़ा सा आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो है पूजा बनाएगी चाय, और हम लोग अदरक नहीं है, इलायची खाओ। अदरक 350 रुपया किलो हो गया है। तो हम और पूजा एक लील बना लेते हैं, हम और पूजा एक लील बना लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे नाश्ते की तैयारी करने। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? रामलीला। रामलीला हो रहा है ये। अब तुम रामलीला में क्या बने हो? राम। राम बने हो। राम का क्या पहने हो? ये ज्योति, ब्लू ब्लू कलर का। तो राम ज्योति नहीं पहनते थे। और तुम्हारा भाई क्या करे? उठा भाई को। भाई लक्ष्मण को बनाए। भाई सोया हुआ है, लक्ष्मण कभी नहीं सोता था। उठाओ अपना लक्ष्मण को। कुंभकर्ण से खाता था। हाँ, तो राम का भाई कुंभकर्ण नहीं ना होता, तब तो तुमको रावण बनना पड़ेगा ना। उठा उठा अपने भाई को, उठा उठा अपना भाई को, उठा। अच्छा चलो एक बार जटा कटा पढ़ के सुना दो। अच्छा एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दो। एक्चुअली वो जो मैं काजू करी की सब्जी बना रही थी वो कल शाम यानी कि सैटरडे इवनिंग का था, और ये संडे मॉर्निंग का है। यहाँ पर मैं प्याज वाली पराठे बनाने वाली हूँ, पूजा को बहुत पसंद है तो उसके स्पेशल डिमांड पे मैं बना रही हूँ। ये वाले पराठे की रेसिपी भी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया था, आप मैदा आटा जो भी ले सकते हैं। उसमें मैंने कलौंजी, नमक, थोड़ा सा तेल, और इस तरीके से मतलब पतले पतले करके प्याज को कट करके और सारी चीज़ों को मिला लें। आटा जैसे नॉर्मली आटा गूंथते वैसे गूंथ दीजिए। मैदा आटा जो आपको पसंद हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और बस नॉर्मल पराठे बनाए। यहाँ पे मैं बटर पराठा भी बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। पूजा निकाल रही है चावल, तो मैंने बटर पराठा नहीं उसकी रेसिपी सूट की थी, तो मैं किसी और दिन उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है फिर लंच वाला वीडियोस मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि उतना दिन भर वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे बाबू? हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पर, एक जहाँ पर मेला लगा हुआ है और जहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग है। हम लोग मेला जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है, और वो कौन ये ट्रिप है? मम्मी ट्रिप है ये। और कितना तेज धूप में ये ट्रिप मना रहे हैं हम लोग, बहुत धूप है कि आँख भी नहीं खुल रहा है। मैंने चश्मा भी नहीं लिया अपना। बच्चा देखो जय बजरंग बली करो, यहाँ पे बजरंग बली देखो, जय श्री राम करो, जय बजरंग बली। देखो आ गए हम लोग मेला, वो सामने मेला है। एक्चुअली अभी सावन का मेला स्टार्ट हो चुका है, तो फिर बाबू गिल्लू को जाना था मेला घूमने के लिए, हम लोग वहीं जा रहे थे।
तो सावन में ये देख पा रहे हैं श्रावणी मेला का जो है 2023 का ये ग्राउंड जो है यहाँ पे बहुत बड़ा सा पंडाल लगाया जाता है और हर साल जो है ना डिफरेंट तरीके से यहाँ का डेकोरेशन होता है कुछ बिल्कुल न्यू थीम के साथ। तो पिछले साल का अगर वीडियो देखेंगे आप तो वहाँ पे जो है कुछ अलग थीम था। इस बार ये दिन का वीडियो है, रात के टाइम में बड़ा खूबसूरत सा लगता है तो मैं किसी दिन रात में जा कर के इसका वीडियो बनाऊँगी। तो इस बार कुछ न्यू थीम था तो आप पूरे वीडियो को देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ 108 शिवलिंग लगाई गई थी और द्वादश ज्योतिर्लिंग के अलग अलग मंदिर बनाए गए थे। तो बाबू जो है मेरा गिल्लू शिवलिंग मतलब उनको बोले उसको भोलेनाथ बहुत पसंद है, शिवलिंग से बहुत प्यार करता है। पिछले साल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें था न्यू पिछले साल का थीम था कि सुल्तानगंज से जो पैदल कांवर लेके यात्रा होती है उससे लेकर के देवघर तक के रास्ते बनाए गए थे और इस साल जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग बनाया गया है उनकी मंदिर बनाई गई थी और 108 एक बड़ी शिवलिंग थी और 108 ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर बनाया गया था और रावण द्वारा जो तपस्या करके कैसे शिवलिंग को लेकर जाने वाली जो स्टोरी है वो यहाँ पे बनाया गया था। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये दिन का व्यू था पूरा, रात वाले तो बहुत ही सुंदर सी होगी मुझे लग रहा है। मैं अभी तक गई नहीं है, किसी दिन मैं रात में जाऊँगी और पूरा वीडियो रात वाली बना करके दिखाऊँगी। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं नहीं आए हैं वो यहाँ से मेरे वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ जो शिवलोक लगाया जाता है ये बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है या माता पार्वती के मंदिर का जो बनाया जाता है, ये सारे थर्मोकोट आई थिंक बनाया गया है ये माता पार्वती के मंदिर के। और छोटे बड़े जो शिवलिंग है गिल्लू को इतना ना तो मन नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा घूमने के। अभी तो ये मेला जो लगता है ना सावन में काफ़ी भीड़ होती है, देख पा रहे होंगे आप ऑरेंज चारों तरफ आपको ज़्यादातर ऑरेंज दिखेंगी। ये बोलबम की जो भीड़ होती है, सारे तरह की दुकानें सजी हुई रहती हैं, काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, काफ़ी भीड़ भी होती है। हम जैसे लोकल लोगों को थोड़ी परेशानी भी होती है, यहाँ पे मेला वगैरह लगा रहता है तो काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है, कमाई भी होती है, बहुत तरह की चीज़ें। बस बाबा की मेहरबानी से सारे लोगों का ज़िंदगी आराम से कट जाता है। तो ये तो था हमारा छोटा सा वीडियो आज का। मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ बट अब कंटिन्यू करती रहूँगी क्योंकि मैं घर पर थी नहीं जिसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो चलिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, किसी और को भी बोल सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको सावन का मेला दिखा देती हूँ या देख करके फिर किसी और दिन दिखाऊंगी। तब तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।